वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं पॉलिसी की बुनियाद मुआशी तरक्की और आम आदमी का तहफ्फुज़ है। DGISPR का ट्वीट लिखा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कौमी सलामती मजबूत बनाने में अहम संगे मील है। नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे, हम लाएंगे, हुकूमत का ऐलान। फवाद चौधरी बोले अयाज सादिक ने नवाज शरीफ की वापसी का बताया, जाति उम्रा वालों का दिल बैठ गया। वजीर इत्तलात ने ऑपोजिशन को तारीखों का चूरन बेचने वाला दिहाड़ीदार करार दे दिया। बयान हलफी का लिफाफा खुल गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मुलजिमान पर 7 जनवरी को तौहीन अदालत की फर्द जुर्म लगाने का ऐलान। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कार्रवाई साकिब निसार नहीं, इस अदालत और हमारे एहतसाब से मुतालिक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा राना शमीम तस्लीम कर लें, वो इस्तेमाल हो गए, मुआफी मांग लें। और सुप्रीम कोर्ट का हिल पार्क की जमीन से मस्जिद समेत तमाम तजावजात गिराने का हुक्म। तारिक रोड पर मदीना मस्जिद की जगह भी पार्क बहाल करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर की सख्त सरजनिश, चीफ जस्टिस ने कहा नौकरी से जाएंगे फिर कभी जॉब नहीं मिलेगी।